नालंदा जिला पुलिस कप्तान अशोक मिश्रा ने भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून को लेकर बताया कि नए कानून में भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किया गया है। इस नए कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने बताया कि न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को जिले में प्रभावी ढंग से लागू कर दिया गया है। नए कानून में हुए बड़े बदलाव को लेकर पदाधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर देते हुए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल तौर पर FIR नोटिस, समन, ट्रायल रिकॉर्ड, प्रोसेसिंग, केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किए जाए। सुनिए जिला पुलिस कप्तान और कुछ क्या कहा। देखिए, तीनों कानून जो है वो 1 जुलाई से प्रभावी हो गए हैं और बिहार पुलिस ने सभी रैंक के पदाधिकारियों के लिए PTC से लेकर SP रैंक तक जो है ट्रेनिंग कराई है। जो भी नए प्रावधान आए हैं उनसे सभी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है और 1 जुलाई को हमने जिला स्तर पर और थाना स्तर पर जो है अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया था, जिसमें लोगों को भी जागरूकता दी गई थी कि प्रावधान में जो परिवर्तन है वो बताया गया था। अधिकतर प्रावधान वही हैं, केवल सेक्शन बदल गए हैं और जो नए प्रावधान आए हैं जिनका व्यापक प्रचार किया गया है लोगों के बीच में, उसमें एक ये है कि FIR जो है वो थाना, जिस थाना से संबंधित है वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, नज़दीकी थाना में FIR दर्ज कराई जा सकती है। अब उस थाने की जिम्मेदारी होगी कि उस FIR की कॉपी, जिसको 0 FIR कहेंगे, वो संबंधित थाना को भेजे। उसके बाद जो सेकेंड परिवर्तन, जो बड़ा परिवर्तन है, कि सर्च और सीजर का वीडियोग्राफी पुलिस को करना है। और अगला परिवर्तन ये है कि 7 वर्ष से अधिक के जो सजा वाले केसेस हैं उसमें फॉरेंसिक जांच आवश्यक है। और कुछ अन्य परिवर्तन किए गए हैं जो हम लोगों ने ट्रेनिंग के द्वारा सभी को बताया है। लोगों के लिए ये है कि वो FIR अब अपने नज़दीकी थाना में जाके दर्ज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं और थाना जो है उस पर अग्रतर कार्रवाई करेगा। सर, ये जो 72 घंटे का मामला है, इसमें किस तरीके से सहूलियत मिल सकता है? अगर कोई मान लीजिए विक्टिम है तो 72 घंटे के अंदर उनको आके साइन करना होगा, इसमें थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है तो इसको स्पष्ट किया जाता है? नहीं, इसमें सिंपली ये है, देखिए आप लोग जानते हैं कि क्राइम कोई भी होता है तो वो सरकार के विरुद्ध होता है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें सूचित करता है कि अपराध हुआ है तो पुलिस को उसको रिकॉर्ड पे लेना है और उसकी जो है जांच आरंभ कर देनी है और घटनास्थल पर जाना है। घटनास्थल पर जाने के बाद ये देखना है कि वहाँ क्या हुआ है और FIR जो भी व्यक्ति वहाँ देता है तो FIR रजिस्टर करना है। इन केस की अगर पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है या घटनास्थल को स्थापित करना मुश्किल है तो 72 घंटे तक पुलिस वेट करेगी विक्टिम का या जो भी कंप्लेनेंट है उसका, और अगर वो 72 घंटे के भीतर आते हैं तो FIR रजिस्टर होगी, और अगर वो नहीं आ पाते हैं और हम लोग नहीं ट्रेस कर पाते हैं तो फिर हम उस आवेदन को क्लोज